पहले वीडियो गाइस आ गया सब आप ट्राइपॉड यूज करने वाले हो भाई थोड़ा साइड हो जाओ पीछे जाओ नहीं इधर इधर अभी कितना इतना मेरा आगे भी है इधर भी इतना हूं मैं एक मिनट सब रेडी है आप लोगों को कुछ अगर ठीक से मिल नहीं रहा है कुछ लाइट प्रॉब्लम मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 11 साल बाद वापस आ रहा हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और एग्जैक्टली वही फीलिंग है क्योंकि बच्चा अगर कहीं बाहर चला जाता है पढ़ने और उसके बाद कई सालों बाद वापस घर आता है जो फीलिंग आती है आई थिंक मुझे वही एग्जैक्टली सेम फीलिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड क्योंकि बच्चों का मैंने आज तक नहीं किया इतने सालों से मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को आज तक मैंने जज नहीं किया एक दो शो में ऐसे गेस्ट बन के गया हूँ लेकिन मैंने फुल फ्लेज कोई भी शो नहीं किया जिसमें मैं बच्चों को जज कर रहा हूँ सो दिस इज फर्स्ट फॉर मी ऑल्सो जैसे मोनी के लिए फर्स्ट है मेरे लिए भी फर्स्ट है दैट्स नॉट ट्रू क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एवर जजिंग शो है एंड इमेजिन लास्ट टाइम जब मैंने एक रियलिटी शो किया था तो रेमू सर जज कर रहे थे मेरा ओनली डांस रियलिटी शो जो मैंने किया है वो रेमू सर जज कर रहे थे तो उनके पास बैठना पहले तो बहुत ही ओवरवेलमिंग हम्बलिंग और एक बहुत ऑनर की बात है और मैं कोशिश कर रही हूँ आई एम डूइंग ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप दैट मैं इन बच्चों को जो कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड है उनको ठीक तरह से थोड़ा बहुत सलाह दे सकूँ बहुत होता है क्योंकि इतने सालों से जब हमने और मैं सारा श्रेय एक्चुअली DID को देना चाहूँगा क्योंकि हमको भी नहीं पता था इससे पहले हम लोग भी कोरियोग्राफी करते थे और हमको नहीं पता था कि देश में डांस की जो चेंज है वो कितना ज़रूरी है जब हमने DID पहला स्टार्ट किया था कुछ 13 साल पहले तब हमको समझ में आया कि यार यू नो ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है और DID से पूरा चेंज आया है एंड थैंक गॉड के वो एक प्रथा चलती आई है और जो डांस का जो पूरा का पूरा एक जो वेव है वो चलता आया है और अब जाके उन बच्चों को देख रहे हैं जो शायद हमने जब स्टार्ट किया था तब बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे अब वो बच्चे पैदा हुए हैं और 4-4 साल के हैं और वो
सीख के आ रहे हैं, दैट मीन्स वो जो चेंज है वो हमारे देश में काफ़ी बड़ा चेंज लाया है और ना ही देश में पूरे वर्ल्ड में लाया है. There is nothing to balance, and thankfully I have a husband who is very supportive of everything that I do, so everything is fine. Or you know, ये actually बहुत, जैसे सर ने कहा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंच है जो ना कि लोगों को खाली अपॉर्चुनिटीज़ देता है यहाँ डांस करने के लिए, बल्कि अपने लाइफ को, उनके किसी मोस्ट लोगों की लाइफ सेट हो जाती है लिटरली. और डांस एज अ सेक्शन ना, पहले ऐसे होता था, इनफैक्ट जैसे सर ने बोला कि 13-14 ईयर्स बैक इतनी जागरूकता नहीं थी इसके बारे में. सो DID इज़ सोल हैंडेडली आई बिलीव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज एंड दिस वेव फॉर टू कम. सो जी जी, आई एम वेरी नर्वस, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लर्निंग एवरी डे फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम रेमो सर एंड सोनाली मैम, एंड आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द पोजीशन दैट आई हैव बीन गिवन. थैंक यू जी. आफ्टर फ्यू ईयर्स एक्चुअली इस स्टेज पे 4 साल के बाद आ रही हूँ जी के स्टेज पे. लास्ट टाइम मैं इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के सेट से आधा छोड़ के गई थी न्यूयॉर्क मेरे ट्रीटमेंट के लिए, और 4 साल के बाद आज यहाँ पे इस स्टेज पे खड़ा होना, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत इमोशनल मोमेंट है, बहुत ग्रैटिट्यूड वाला मोमेंट है, क्योंकि वेल उस टाइम लगा नहीं था कि मैं वापस आके यहाँ पे खड़ी होंगी, बट कुछ भी पॉसिबल है और ये समझ में आ जाता है मुझे यहाँ पे देख के. सो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ग्रैटिट्यूड है, कहीं पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है व्हाट आई वेंट थ्रू. तो कहीं पे लगता है कि अगर ये मौका मुझे मिला है, लाइक सेइंग सेकंड चांस जैसे मुझे मिला है, तो उसका मैं क्या करूँ, उससे कुछ अच्छा कर सकूँ, उसको कुछ, यू नो, मेक इट मैटर इज़ व्हाट आई फील. सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आई होप कि ये जो सेकेंड चांस मिला है उसको मैं अच्छा बना सकूँ. DID Little Masters is interesting for me because मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि reality जब आप करो, बच्चों में कुछ एक प्योर एनर्जी होती है, झूठ नहीं बोल पाते हैं ज़्यादा, जो भी बोलते हैं सच निकल ही आता है उनके मुँह से. सो आई इन्जॉय वर्किंग विथ किड्स. मैंने डांस शो आज तक कभी जज नहीं किया था, लेकिन डांस शो का अपना ही मज़ा है, वहाँ पर बैठ के बच्चों का डांस देखना, आई थिंक इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग दैट आई कैन एवर सी. सो मुझे यह काम तो लगता ही नहीं है, ये मज़ा ही मज़ा है. इसमें सिर्फ छोटी तो बुरी बात एक ही होती है, जहाँ पर जब बच्चों को ना बोलना पड़ता है वही बात सिर्फ बुरी लगती है, बाकी तो सब मज़ा है इसमें. आई एम रियली लुकिंग, यू नो, इतने साल इंडस्ट्री में होने के बावजूद रेमो, मोनी और जय तीनों से मैं इससे पहले कभी मिली नहीं थी, तो पहली बार उनसे मिली हूँ और जो प्यार और एनर्जी उनसे मिली है वो इतनी अच्छी है दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. मुझे तो मज़ा आ रहा है उनके साथ बहुत. अभी उनको मज़ा आ रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लाइक आई सेड, जी के हमेशा ही होम ग्रोन शोज़ रहे हैं, उन्होंने शोज़ अपने बनाए हैं, और यहाँ से जो टैलेंट निकला है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक लेवल पे पहुँचा है. सिर्फ विनर्स नहीं, जो भी टैलेंट निकलता है, बी एड सारे गामा, DID, ड्रामेबाज के बच्चे थे, उन्होंने हमेशा एक नाम बनाया है अपने लिए. सो आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकलता है और बहुत ही रूटेड टैलेंट निकलता है, ऐसे मुझे लगता है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Little Master is going to be on air after a few days and it is coming back home for you. Yeah. And what do you want to say? नहीं, कमिंग बैक टू होम तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये शो शुरू से मैंने ही किया है और आज तक किसी को मौका नहीं दिया कि कोई और कर सके. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन कि मैं ये शो को होस्ट कर सकूँ, एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज बच्चों का शो है, बच्चों के साथ मेरा भी एक बचपना आ जाता है, मेरे अंदर भी एक यू नो एक एनर्जी हाई हो जाती है बिकॉज मेरे घर में भी बच्चे हैं तो वो सब देखते देखते यू नो वहाँ पर जो मैं मस्ती करता वो ट्राई करता हूँ वो सेम मस्ती मैं यू नो ऑन स्टेज यू नो क्रिएट कर सकूँ. And I'm happy and glad that, you know, I've got a chance to work with some talented actors also. Remo, you know, Sonali ma'am and Moni, they are fantastic
बड़ी मस्ती हुई है ये दो तीन दिन के शूट में. सो आई एम सो श्योर दैट यू नो लोगों को भी बहुत पसंद आएगा. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पैनल है हमारा. रेमो सर, यू नो एवरी वन नोज की यू नो उनकी कोरियोग्राफी और उनके वो जो जजिंग को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता. तो ही इज़ देयर. सोनाली मैम, यू नो अमेजिंग कनेक्ट विद दी पीपल. वो जो कहते हैं ना कोई अपना सा लगता है ना वो स्टेज पर, वो है कि जब कोई कॉमन मैन और उनकी फैमिली आती है तो उनको ऐसा लगता है नहीं सोनाली जी तो हमारी अपनी ही है. वो खुल के वो ना वो अपने इमोशंस जाहिर कर पाते हैं. एंड मोनी और मेरी तो मतलब एग्जैक्टली बताओ तो एकदम टॉम एंड जेरी वाली दोस्ती चल रही है. बहुत खिंचा किया हूँ मैंने, बहुत ज़्यादा क्लास लिया हूँ. तो या इट्स फन टू यू नो वर्क विद ऑल थ्री. एंड रिसेंटली यू डिड अ रियलिटी शो एंड नाउ कमिंग बैक टू डांस रियलिटी शो. तो रियलिटी शो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? रियलिटी शो ऑफ कोर्स यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज समथिंग यू नो आई एंजॉय वर्किंग. इससे मैं एज जय भानुशाली प्रेजेंट होता हूँ, नॉट एज सम कैरेक्टर जो एक शो में हम प्ले करते हैं. एंड आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल यार, ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है लोगों के साथ, यू नो मस्ती करने में. आपको यू नो मस्ती करने के पैसे मिल रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. आई जस्ट वॉन्ट कि 12 मार्च से जी टी वी पर आ रहा है डी आई डी लिटिल मास्टर्स रात 9 बजे. तो प्लीज़ उसे देखिए, उसे प्यार दीजिए. बिकॉज याद रखिए कि 13 साल पहले यही शो था और यही एक चैनल था जिसने एक विजन देखा था कि कॉमन मैन रियलिटी शो यू नो भी एक सक्सेसफुल शो हो सकता है. और उन्होंने वो पहले थे जिन्होंने यू नो हिंदुस्तान को मौका दिया था अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. एंड एक विजन था उनका और वो विजन ईयर्स में ही पता चला कि आज 13 साल हो चुके हैं उस विजन को स्टार्ट किए हुए. एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शो. तो आई वॉन्ट कि आप सब उतना प्यार दें, उतना यू नो प्रेम दें जो आपने शुरू से लेकर अभी तक हमें दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.